आज हम चार प्रकार के व्यंजन बनाएंगे जो बिना आग पे पकाए बिना ईंधन के बनेगा। इसके लिए हमें चाहिए, ये हमने लिए हैं, ये हमने चुड़वा लिया है, ये पोहा जिससे बनता है ये चुड़वा है, और ये आटा है। देखिए ये आटा है, ये चुड़वा है, और ये हमने चावल लिए हैं, रात को ही भिगो लिए थे हमने चावल। देखिए भीगे हुए चावल हैं ये, और ये आलू भी हमने उबाल के रख लिए, एक आलू है, और ये हमने सत्तू लिया है, ये सत्तू है, और ये तेल है, ये हमने प्याज बारीक काट के रखा है, ये प्याज बारीक काट लिया है, ये नमक है, और ये हमने देसी खांड लिया है, आप गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, ये हमारा केला है, और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, ये हमने बादाम काट के, ये हमने छोटी इलायची ली है, इसको थोड़ा कूट लिया है, और ये हमने अचार लिया है, अचार का तेल भी डालेंगे और थोड़ा अचार भी डालेंगे ये, और ये हमने थोड़ा सा मिक्सचर भी। सबसे पहले ये हमने बॉल लिया है खाली, और इसमें ये एक कटोरी आटा है, इसको डाल देंगे, ये हमने आटा डाल दिया, और अब इसमें हम मिलाएंगे, ये देसी खांड है, ये इसको हम मिलाएंगे। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है वही डाल दीजिए। ये हमने डाल दिया है, ये देसी खांड डाल दिया हमने, देखिए उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हम केला है, इसको थोड़ा मैश करके इसमें डाल देंगे, ये केला है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे ये हमारा जो है शीतल प्रसाद भी कहलाता है, इसको सत्यनारायण की पूजा में हम लोग बनाते हैं। देखिए हमने केला को अच्छे से इसमें मैश कर लिया है, और अब इसमें हम ये दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, अच्छे से इसको मिला लेंगे, इसको चला लेंगे इसको। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने जो ये बादाम काट के रखे थे, इसको थोड़ा हल्का कूट के रखा था, ये डाल दिया। आपके पास जो भी है, काजू डालिए, किशमिश डालिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप डाल सकते हैं। देखिए ये डाल दिया, और हमने ये पिसी हुई छोटी इलायची, ये देखिए छोटी इलायची हमने जो कूट के रखी थी, ये भी डाल देंगे इसमें, ये देखिए ये डाल दिया। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत पौष्टिक भी होता है, कभी ऐसे भी खा के देख बनाइए, इसमें ना कुछ पकाने की ज़रूरत है। ये देखिए ये हमारा एक व्यंजन तैयार हो गया। अगला व्यंजन है हमारा चावल का, ये चावल हैं, इसको हमने रात भर भिगो दिए थे, चावल लिए हैं, रात भर भीगे हैं चावल, और कच्चे चावल बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी खाने चाहिए, और एक चुटकी चावल रोज खाली पेट खाने से लीवर मजबूत होता है। इसी का हम आज ये व्यंजन बनाएंगे। चावल हमने भिगो के रखे थे, अब इसमें ये गुड़ डालेंगे, आप गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ में भी बहुत अच्छा बनता है, ये हमने इसमें गुड़ डाल दिया है,
और ये हमने केला लिया है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। केला को अच्छे से इसमें अच्छे से मिला लेंगे। ये भी प्रसाद के रूप में ही बन जाता है। देखिए अभी इसको, ये देखिए हमारा चावल का ये बन चुका है। इसमें दो ही चीज़ें पड़ी हैं, एक तो ये हमने बूरा डाला और एक ये केला को मैश के डाला, बस इसमें दो ही चीज़ पड़ेंगी। ये देखिए हमारा ये व्यंजन भी तैयार है, ये भी बिना पकाए। ये देखिए ये व्यंजन भी कितना अच्छा लगता है खाने में, ये भी तैयार है। दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे, इसके लिए हमने ये चुड़वा जो रखे थे, ये एक कटोरी चुड़वा लिया हमने, चुड़वा डाल दिया है। और इसमें हल्का ये पानी डालेंगे, अधिक पानी नहीं डालेंगे, हल्का डालेंगे। देखिए इसको हल्का गीला कर लेंगे, धोना नहीं है, हल्का गीला कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे इसको। अब इसमें हम डालेंगे ये नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। हमने नमक डाला, और ये हल्का तेल डालेंगे, ये सरसों का तेल है, कच्चा ही सरसों का तेल पड़ेगा इसमें। और ये कटी हुई हमने प्याज काट के रखी थी बारीक बारीक, ये डाल देंगे। और ये हमने अचार है हमारा, अदरक का अचार है, इसको हम, इसका थोड़ा सा तेल भी है और ये थोड़ा सा तेल, और ये डाल देंगे। बहुत स्वाद बनता है पोहा, तो सभी बनाते हैं, कभी ऐसे भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और ये हमने आलू जो उबाल के रखे थे उसको भी इसमें मैश कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, ये मिक्सचर डाल देंगे। और ये हमने ये आधा काटा हुआ नींबू है, इसको भी हम इसका डाल देंगे इस पे। बहुत स्वाद बनता है, कभी बना के खाइए, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। देखिए पूरा हमारा तैयार है। अब इसमें हम ये थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे, बहुत टेस्टी लगेगा। और ये हमने बारीक कटा हुआ हरी मिर्च है, इसे भी डाल देंगे। अब ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब ये पूरा तैयार है। ये अगला व्यंजन हमारा ये सत्तू है। ये चने को पहले भूना जाता है, फिर उसको पीस के तैयार किया जाता है। ये देखिए सत्तू है, इसे सत्तू कहते हैं। ये हमने एक कटोरी लिया है, और इसमें हम डालेंगे ये नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, डाल दिया। और इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, और ये है बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, इसको भी डाल लेंगे। और इसमें हम ये अचार, ये जो है ना आम का डालेंगे, इसमें ये मसाला है, ये डालेंगे आम का मसाला। इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे डो तैयार होता है आटे का, करते हैं ना डो, इस तरह इसको डो बनाना है हमें। इसमें और थोड़ा पानी लगेगा। ये देखिए हमारा ये सत्तू का व्यंजन तैयार हो गया है। हमने इसको इस शेप का बना दिया है, आप किसी भी शेप में बना लीजिए, और कितना आसान है बनाना इसको। ये देखिए हमारे चारों व्यंजन बनके तैयार हैं।
ये हमारा शीतल प्रसाद है, ये आटा है इसमें, केला है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले थे, दूध दूध में इसको ये किया है। तो ये बहुत अपने आप में पौष्टिक है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे भी। और ये हमारा चुड़वा है, जिस पोहा आप बनाते हैं, पोहा तो हमेशा ही बनाते हैं सभी, लेकिन कभी इस तरह भी बना के खाइए, बहुत चटपटा बना है। इसमें नींबू है, हरी मिर्ची है, कटा हुआ प्याज है, और ये थोड़ा मिक्सचर डाला है। देखिए बहुत देखने में ही स्वादिष्ट लग रहा है और बना भी बहुत अच्छा है। और ये हमारा चावल का है, चावल को हमने रात भर भिगो दिए थे और इसमें केवल गुड़ या मीठा कुछ चीनी भी डाल सकते हैं। और ये हमने इसको केला में इसको मैश कर लिया है, ये हमारे चावल हैं। और ये हमारा सत्तू है, इसको हमने सत्तू में प्याज डाला है छोटा काट के, और ये हरी मिर्ची है, और इसमें आम का अचार डाला है। और इसको अच्छा से डो तैयार करके इसको इस रूप में कर दिया है। देखिए ये भी बहुत पौष्टिक होता है, चने का बनता है सत्तू, उसे भी आप अवश्य ट्राई करें। बहुत ही चारों व्यंजन देखिए बहुत ही पौष्टिक है, और सबसे बड़ी बात है कम मेहनत में बना है, इसको आग पे नहीं पकाया गया है, बिना पकाए ही इसे बनाया गया है चारों व्यंजन। आशा है आपको पसंद आएगा और इसे अवश्य बनाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।